क्या एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है और इस स्कूल में ये आयोजन हुआ है जो हमारे वर्सोवा विधानसभा से है, अजय कौल जी की स्कूल है, चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल। बहुत अच्छे से आयोजन हुआ है, राज्य स्तरीय स्पर्धा है और 17 साल के से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे रखी है। बहुत जगहों से महाराष्ट्र में से बच्चे आए यहाँ पे, लड़कियाँ भी है लड़के भी है और कबड्डी से कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं इसके अनुभव भी हमें यहाँ पे हुए। बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए, मैं सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ और बेस्ट ऑफ लक दिया है सारे बच्चों को और आज आयोजन के लिए मैं सर को भी शुभेच्छा देती हूँ, धन्यवाद। काफी वक्त से, काफी सालों से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, अभी तक की क्या मतलब कुछ अड़चने जो आपने सॉल्व किया और नई नई चीज़ें क्या करने वाले हैं इस तरह के जो आयोजन क्या करने वाले, उसके बारे में कुछ अगर बताएंगे? आयोजन बहुत अच्छे से हुआ है, बीच में हमने सीएम चषक भी किया था, वो भी अच्छे से यहाँ यहीं पे आयोजित हुआ था, तो आयोजन के बारे में तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ कमी है, बहुत अच्छे से स्कूल में होता ही है। और मैं अजय को सर है उनको भी शुभेच्छा देती हूँ कि ऐसे वो करते रहे क्योंकि अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे तैयार होते हैं और वैसे भी वर्सोवा विधानसभा में कुश्ती खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी है, उनको भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं हम लोग और सरकारी अधिकारी भी बन रहे हैं तो उनको एक प्रोत्साहन देने का हमने एक ये किया है और आगे जाके भी हम लोग इसके लिए काम करेंगे, यही शुभेच्छा देती हूँ सब बच्चों को। थैंक यू गया है, काफ़ी यंग बच्चे हैं, एक सपना लेकर आते हैं ना कुछ करने के लिए कबड्डी में, तो उन्हें किस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है यहाँ पर और कुछ बताएंगे इस बारे में, इस इवेंट के बारे में? सर मैं सांगायचं होतं, कबड्डी स्पर्धेला एक चांगली सुरुवात झाली आहे आणि हे सगळे अंडर 17 आहेत आणि हल्ली कबड्डीला चांगले दिवस आले, तो कबड्डी आपण बघतो, फक्त थोडंसं इथे सूचना करावीशी वाटते की पूर्ण जगामध्ये आता कबड्डी मॅटवर खेळली जाते, मला वाटतं आतापासूनच त्याची सुरुवात केली पाहिजे, अशा स्पर्धासुद्धा मॅटवर खेळल्या गेल्या तर मला वाटतं ही मुलं पुढे भविष्यात चांगल्या प्रकारे मॅटवर खेळू शकतील, नाहीतर मातीतली कुस्ती आणि मॅटवरच्या कुस्तीमध्ये आपण मागे पडलो, तसं कबड्डी हा आपला स्वतःचा भारताचा स्वतःचा हा खेळ आहे, त्याच्यामध्ये आपण मागे पडायला नको, म्हणून मला वाटतं की शालेय स्पर्धासुद्धा मॅटवर व्हायला पाहिजे। आप बताएंगे कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, बहुत अहमदाबाद दिखा है, बहुत अलग जगह से, उसके बारे में बताएंगे? सर म्हणजे ही राज्य स्तरीय स्पर्धा आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करत आहे, इथे नाशिकवरनं आले, पुण्यावरनं आले, कोल्हापूरला आले, कोल्हापूर अमरावती लातूर सगळीकडनं लोकं आली आहेत आणि मला खरं कौतुक करायचं अजय सरांचं की त्यांनी ही स्पर्धा इथे भरवण्यात पुढाकार नुसता घेतला नाही तर ह्या सगळ्या मुलांच्या राहायची व्यवस्थासुद्धा त्यांनी स्वखर्चाने केलेली आहे। ह्या स्पर्धेचं बजेट अतिशय कमी आहे, सरकारने खूप कमी पैसे याच्यासाठी तरतूद केली आहे, तरीसुद्धा अजय सरांनी कुठेही मागे न पडता ह्याच्यामध्ये आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून ही स्पर्धा आयोजित केली, म्हणून त्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो। थँक्यू मॅम। तुम्ही या जे इव्हेंटबद्दल काय म्हणू शकता, काय तुम्हाला कशा वाटली आणि कशा ते स्पर्धा आहे? ही स्पर्धा आपली कबड्डीची स्पर्धा गेले 3 वर्षापासून जे वळण भेटलेले या कबड्डींना खरोखरी चांगली गोष्ट आहे आणि एशियामध्ये बोला प्रो कबड्डीमुळे ह्यांना कबड्डीनं चांगली प्रसिद्धी भेटलेली आहे आणि सगळ्यांनी आमदार अजय सरांनी जे एवढं जे चांगलं वातावरण केलेलं आहे त्याच्यामुळे मुलांना जो उत्साह आला आहे खरोखर त्यांचं मी आभार मानेन अजय सरांचं आणि स्वतःचा खर्चानी त्यांनी जे दादांनी सांगितल्याप्रमाणे की त्यांचा खर्च त्यांनी केले राहायचा वगैरे खरोखर चांगली गोष्ट आहे आणि मी महिलांना जे छोट्या 17 वर्षाच्या खालचे मुली आहेत त्यांनाही मी माझ्यातर्फे मी अभिनंदन करेन की खरोखर मुलींनी या फील्डमध्ये पुढे गेलं पाहिजे आणि आम्ही आमचे जे वरिष्ठ आहे सगळे आम्ही जेवढं पण त्यांना पाठिंबा देणार आणि त्यांना मदत आणि छोटीच गोष्ट आहे आणि कुठे कधी त्यांना लागली मदत आम्ही नक्कीच करू आणि हा जो कबड्डीचा जो आता जो आहे तो त्यांना पुढे जाऊन चांगला स्तर भेटला पाहिजे, एशिया पूर्ण नॅशनल कबड्डी म्हणून हे केलं पाहिजे मी म्हणून देवाकडे प्रार्थनाही करील, बस एवढंच बोलीन, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, जब हम लोग यूथ थे, हम लोग स्टूडेंट थे, मैं भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से खेला हूँ, तो उसी वक्त हमें लगता था हम खाली ट्रॉफी के लिए खेलते थे, कोई सुविधा नहीं रहती थी। आज शैलेश जी भी हमारे सहयोगी रहे, उस वक्त जब हम लोग यंग थे कबड्डी ऑर्गेनाइज किया करते थे अंधेरी में,
अंधेरी में कबड्डी ऑर्गेनाइज करने वाले हम दोनों हैं, लेकिन आज अजय कौल सर जैसे मान्यवर है जो हर बात को एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते और हर बात को प्रोत्साहन करते हैं, इन्होंने कबड्डी को भी प्रोत्साहन किया और आज पूरे महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी ग्रामीण भागों से आए जो अभिमान पाएंगे इस खेल के बारे में, जो आज खिलाड़ी करके यहाँ खेल रहे हैं उनको लगेगा नहीं हो रहा है, हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी निराश होते हैं कि उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिलती, लेकिन यहाँ का माहौल देख के वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हमें सुविधा नहीं मिलती और वो 100% आगे बढ़ेंगे, ये खेल ये माहौल उनको प्रोत्साहित करेगा। चलने महाराष्ट्र राज्य पुणे आता जिला क्रीड़ा परिषद जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर वैसे चिल्ड्रन एकेडमी जो यहाँ की वर्सोवा की जो स्कूल है उनके अंतर्गत हम लोग ने ये राज्य स्तरीय अंडर 17 की गर्ल्स और बॉयज़ की टूर्नामेंट ली है। यहाँ से अपने महाराष्ट्र से 8 विभाग से 8-8 16 टीम्स आई है, यहाँ पे सब यहाँ से महाराष्ट्र का टीम सिलेक्ट होगा। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, महाराष्ट्र शासन अभी ये बच्चों को 5% में नौकरी दे रही है, ये जो सर्टिफिकेट है उनका बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को और ये बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, महाराष्ट्र शासन अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए क्लास 1 ऑफिसर का ऑफर कर रहे हैं और प्राइज भी दे रहे हैं, तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे सर। और मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्पोर्ट्स में काफ़ी नाम किया है, आपकी काफ़ी तारीफें हो रही है, यहाँ पे आकर देखिए किस तरह से आप एनर्जाइज होते हैं और क्या टिप्स देना चाहेंगे जो यंग बच्चे हैं सभी का? हमने जो हमारी कबड्डी खेल की शुरुआत की थी वो भी यहाँ से स्कूल लेवल से ही की थी, तो पहले तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे बचपन के दिन हमें याद आए और बहुत एनर्जेटिक ये सब है और आगे खेलने के लिए हम अभी भी खेल रहे हैं, तो इन बच्चों को देख के और आगे खेलने का और हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आप तो सपोर्ट करेंगे पूरे 2-3 दिन जब तक ये इवेंट चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।